मार्केट में है, चाट खाने के लिए रुके हैं क्योंकि येलो वाले 250 के हैं, ये सब एक साथ अच्छे लग रहे हैं, छोटे हैं गमले। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अधिकारी ब्लॉग। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज मुझे आप घर से बाहर देख रहे हो और घर के आंगन में इंट्रो शूट ना करके मैं रास्ते में इंट्रो शूट कर रही हूँ। सो आज का ये है कि आज हम जा रहे हैं घर से थोड़ा बाहर, मीन्स आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर। आज थोड़ा लंबा टूर है हमारा, हम निकले अभी घर से 11 बजे, जाने कब हम पहुंचेंगे कब क्या, तो आप सभी के साथ वो सब शेयर करूंगी। और अभी हमारे बारह जी भी हमारे साथ हैं, हम दोनों ही हमें तो साथ रहे हैं, और हमारे जो बड़े दादा हैं और मेरा भाई वो आगे निकल चुके हैं, तो हम किसी पर्सनल काम से ही रुद्रपुर जा रहे हैं। उसी बहाने मैंने कहा आपके साथ वहाँ आज रुद्रपुर को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, तो अब जल्द से वहाँ को निकलते हैं। हम अब रेडी है, पैक हो चुके हैं निकलने के लिए रुद्रपुर के लिए, चलो। कोहरा है तो हमारे साथी भी ठंडे में बेचारे अकड़ गए हैं, उनको भी काफी ठंड लग गई है और उनको हाय कहना है। चलो चलो, हाँ ठीक है भाई साहब, देख रहे बहुत ज्यादा कोहरा, हालत खराब हो गई हम लोगों की, सब पैक होके आ रखे हैं। मैं तो कितने कपड़े पहन के आ रखे, फिर भी इतनी ठंड लग रही ना, पता नहीं। हम अभी पहुंचे हैं टाटा में, टाटा क्षेत्र पड़ता है में बीच में, तो अभी पहुंचे हैं और पीछे आप देख लो कैसा मौसम हो रखा है। काफी ठंड हो गई, अभी आपने देखा ही तो ठंड की वजह से हम लोग अभी रुद्रपुर में पहुंच चुके हैं। हम रुद्रपुर में रुके हैं चाय के स्टॉल पे, चाय की दुकान में, जितनी बात है तो देख रहे हाथ हिला रहे हैं सब कहेंगे, तो सबको काफी ठंडा हो गया, हालत खराब होता की हालत देखो, क्या घर से बन के आया था बढ़िया साफ, बाल आलो करके अब सब हो गया बिल्कुल, हाथ सबके अदा तो ग्लव्स लाना ही भूल गए, हम तब भी थोड़े थोड़े पैक है। तो अभी सब ऐसे चाय वाय पीते हैं, फिर अपने आगे को जहाँ जाएंगे। जी है सिमांस मेडिकल स्टोर पे, जो कि भाई इनसे कुछ बात करने के लिए आ रखे हैं, भाई का निजी काम है पर्सनल काम है, क्योंकि सब मेडिकल वाले हैं भैया वहाँ पे, जो मंदा है हमारे वो भी मेडिकल वाले हैं, एक ये और एक मैं, हम आए घूमने। धीरे धीरे कोहरा रास्ते में तो था, इधर को भी कोहरा बढ़ने लगा है और इन लोगों का इधर दुकान पर काम वाम चल रहा है, काफ़ी भीड़ नहीं है। अरे रुक गए यहाँ पे ट्रेन का इंतजार करने के लिए, ट्रेन आ रही है तो फाटक बंद है। लो भाई ट्रेन का सफ़र कब से नहीं किया है, अरे आप ही दिख रहे हो तो कपड़ो कब से ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, आज ट्रेन देख लो। टिक 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 बस ये तो वही हो गया गाइस, खुदा बाहर निकला चूहा, इंजन गया क्या गया मुझे नहीं पता, वो तो कुछ गया, लंबा काफ़ी जाम है, अब सब इधर उधर करेंगे, बहुत ठंड लग गई है, सब कुछ सब पैक हो गए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन पूछ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा रास्ता, हम कितनी गली गली भटक चुके हैं गाइस, गली गली भटक चुके हैं हम लोग, तो एक ही मेडिकल है पर इसके बराबर में दो मेडिकल का पता कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू।
सो गाइस सुपरपुर तो हम पहुंच गए हैं, हमारे सारे काम निपट गए। आपने देखा ही, अभी मैंने आपको पहले दिखाया जहाँ पे भाई लोग होते हैं। अभी हम रुद्रपुर के मार्केट में हैं, चाट खाने के लिए रुके हैं क्योंकि खाना पीना तो इन्होंने खा लिया है। राजमा चावल हमने ले लिया, उसके बाद हम कह रहे थोड़ी चाट वाट ले लेते हैं। थोड़ा मैं भी आई हूँ घर से बाहर, तो मैं तो ये सब खाना नहीं छोड़ूंगी सोच के। और सामने बहुत अच्छी फ्लावर्स बुके हैं। अच्छा सुनो ना, मेरे को बुके नहीं दे रहा है। रेड रोज वाला है। क्रंची क्रंची करारी करारी हम अब टिकिया खा रहे हैं रामचंद्र राठौर चाट भंडार के यहाँ से रुद्रपुर में। पानी बता से इधर पे सारे स्टॉल इसी के हैं, चाट के पूरी लाइन है इधर पे पूरी चाट भंडार की। और वो जो सामने बुके हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे हटो ना, वो देखना है। हम आ गए हैं गाइस अभी रुद्रपुर की मार्केट में। तो ये है यहाँ की मार्केट, काफ़ी अच्छी मार्केट है। हमने चीज़ें खरीद ली हैं कुछ कुछ जो मुझे चाहिए थी। अभी हम आगे को लगे हैं, बट जाम लग गया है थोड़ा बहुत। ये है एक मार्केट और यहाँ से हम अंदर को जाते हैं, यहाँ को भी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। ये आमले यहाँ पे हम घर पे पहनने के लिए चप्पल देख रहे हैं, पर सर कलर नहीं है कलर। नहीं बनो, वो देखो येलो वाले देखो, वो अजीब, वो अजीब से अजीब नहीं, वो भरे भरे से। दादा भी देखने लग गया, समझ में नहीं आ रहा कौन से ले। ये देखो ये भी बहुत फर वाले बच्चों के हैं। अरे बच्चों के हैं ये, वो ये येलो वाले 250 के हैं, ये सारे रेट 250। दुकान बहुत बड़ी दुकान है रुद्रपुर की, बहुत फेमस दुकान है बोल रहे हैं दादा। यहाँ की ये मार्केट है, हम ज़्यादा इतना घूमे नहीं, हम बाइक में ही हमने सफ़र किया इधर उधर। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ भाई। अमरूद वैसे तो ठंडे में हम लोग अमरूद देख रहे हैं, और वहाँ पे भैया सी स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, ले रहे हैं तो हम ले लिया। काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग हो गई आज का दिन, काफ़ी हमारा ठंडा भरा रहा। तो अभी हम थोड़ा साइड में आ रखे, यहाँ पे आ रखे अभी हम नर्सरी में। आपको मैं छोटे छोटे से प्लांट्स दिखाती हूँ कि आपको भी अच्छे लगेंगे। घर में 100 पीस के लिए हम भी कुछ ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको भी थोड़े से प्लांट्स दिखाऊँ। घर में 100 पीस के लिए हम तो प्लांट्स ले जा रहे हैं, सब एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस ये वाले हाजरी के फूल हैं अंकल जी, वो है बेलपत्री का, बेलपत्री। और इधर पे है हाजरी, सब एक साथ अच्छे लग रहे हैं, छोटे हैं गमले में लगाने लायक। और ये गुलाब के फूल हैं सारे, और उधर को भी 100 पीस। मुझे 100 पीस वाले फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाला सोपीस का पेड़ देख लेते हैं, हम काफी अच्छा लग रहा है। A few moments later.
अब आप देख रहे हो कि मैं घर आ रखी हूँ, मेरा अटायर थोड़ा चेंज हो चुका है। मैंने कसम से कहा बहुत ठंड थी, रुद्रपुर में बहुत ज़्यादा ठंड थी, सच्चा हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आई है। देखो मेरे रूम से कितना अच्छा सा दिख रहा है, इतनी अच्छी धूप आ रखी है, वहाँ पे बहुत हाथ खराब थी, अकड़ गए हम सभी, बहुत ज़्यादा अकड़ गए। तो अभी पैक हुए हाथ भी इतने ठंडे से हो रखे हैं, अब क्या कहूँ। अब तो आज का दिन बहुत अच्छा भी रहा, खूब खाया पिया मैं तो, खूब चाट वगैरह ली, अच्छा दिन रहा। और अब हम घर आ गए हैं, बन रही है मैगी, क्योंकि भाई ने नहीं खाया था, भाई को इतना फास्ट फूड नहीं पसंद है। अब मैगी फास्ट फूड है बट वो घर पे बने ना, वो बाहर खाना मतलब अच्छा नहीं करता, अच्छा प्रेफर नहीं करता, इसलिए घर पे मैगी बना रहे हैं हम। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी लगेगी तो शेयर करना, ताकि मुझे आप लोग का सपोर्ट मिले। और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग राज अधिकारी ब्लॉग्स, बाय बाय।